हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल के सामान्य ज्ञान यानी कि स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को ध्यान में रखकर कंप्लीट किया गया है। यकीन रखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी दोस्तों स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे, अधिकांश क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ए टू जेड बिहार स्टैटिक यानी सामान्य ज्ञान के सारी चीज़ें कंप्लीट की गई हैं। दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 483 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 345 किलोमीटर। कम से कम समय में रैपिड फायर प्रश्नों के जरिए दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 22 मार्च 1912 को। यहाँ पे डेट आप जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार दोस्तों डेट भी रखे आपके ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 38 जिला। कितने जिला? 38 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दोस्तों, बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 243। अगला है, बिहार राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 75। अगला है, बिहार राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 40। वहाँ बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 16। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, जहाँ से दो टॉपिक उठाया जाता है इसमें दोस्तों पूरी तरह से वहीं पर कंप्लीट कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार कर लीजिए। बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? करेक्ट आंसर होगा महाराजा नवल किशोर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? तो रोहतास से होता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। पूरी तरह से आप लोग ए टू जेड सारे क्वेश्चन से दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? करेक्ट आंसर का शेरशाह सूरी। डबल स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर रामधारी सिंह। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो कहाँ पे किया था? चंपारण में। बार बार पूछा कि वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1978 में, यानी कि 1978 ईस्वी में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। दोनों ध्यान रखेंगे, 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे? राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा वीरहदरथ ने। किसने? वीरहदरथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, जरासंघ के पिता का नाम क्या था? हजार बार पूछा गया ऐसा करके, डायरेक्टली क्वेश्चन, तो वीरहदरथ थे। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक कंबाइंड पीडीएफ लगा हुआ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आप लोग दोस्तों टॉपिक सारे जानते ही हैं, आपका पूरा जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलिनियस यानी विविध का चैप्टर, जो कि एसएससी और पुलिस कांस्टेबल दोनों में एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहेगा। इसके अलावा आपका जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जिसका आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, व करंट अफेयर्स, इसके अलावा बिहार स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 28 PDF में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। सेकंड PDF के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है,
पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके, आपका पूरा मिसलेनियस न्याय विविध भी आएगा, आपका पूरा जीएस, पूरा करंट, पूरा सामान्य हिंदी, इसके अलावा यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को भी दोस्तों टोटल 29 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों हमारा आरपीएफ कांस्टेबल ओएस एग्जाम 2024 का लगा हुआ है। टोटल दोस्तों इसके पाठ्यक्रम को 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। आरपीएफ का पीडीएफ आप लोग जानते हैं दोस्तों, आरपीएफ के अलावा आपका आरपीएफ एसआई, इसके अलावा दोस्तों आपका रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी जैसी दोस्तों आप लोग जानते हैं वैकेंसीज लगी हुई हैं, इन सब के पाठ्यक्रम को भी ये पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के नाम से, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये पीडीएफ हमारा एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस और फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों अच्छे खासे ढंग से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों भीड़ से अलग होकर आप लोगों को उससे हटकर कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में, फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम की, हजार बार पूछा गया, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मेगास्थनीस थे। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मोनिल हक स्टेडियम है, जो कि पटना में पड़ता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फेवरेट क्वेश्चन है, तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थी? तो मंजूषा शैली की। वह बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो पूर्णिया में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मधेपुरा में। अगला है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ? तो गंगा नदी पर। वह देश का सबसे बड़ा पशु मेला आप लोग जानते हैं किस राज्य में लगता है? तो बिहार में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो कन्यादान है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? करेक्ट आंसर होगा विद्यापति। कौन? विद्यापति। नेक्स्ट, बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी। और सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ये भी गंडक नदी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। हर टॉपिक्स जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, पूरी तरह से दोस्तों इस वीडियो में कवर किया गया आपके स्टैटिक जीके से। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी। और बिहार में गया नगर मोस्ट इंपॉर्टेंट किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो बूढ़ी नदी है। वह बिहार के जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी जलवायु के नाम से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है? तो कृषि है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु है। और बिहार में दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1986 ईस्वी में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद बैंक की। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी व उर्दू, यानी प्राथमिक है हिंदी, उसके बाद में उर्दू द्वितीय राजभाषा। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। और बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। हजार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पाटलपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदय ने। अपडेट रहेंगे। और पाटलपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप लोग जानते हैं नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? धनानंद, जिनको अपदस्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जय प्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो समाजवादी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, सभी लोग जानते होंगे। वह बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। नेक्स्ट, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। अगला,
महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे, करेक्ट आंसर होगा मध्यकाल के, और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो तिनकठिया परता से, आप लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो चंपारण की थी। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो मौर्य वंश ने, हम लोग बात कर चुके हैं। अगला, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला था। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, आप लोग जानते हैं, शकों को पराजित करके इन्होंने, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, करेक्ट आंसर होगा अशोक ने। अगला है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1872 में, और मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है, तो मिथिला से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1937 ईस्वी में। अगला है, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता, तो नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1917 में, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या हमारा, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बोस्ट क्वेश्चन रहेगा, दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था, तो बरौनी था। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, वर्ष 1993 में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, पंचायती राज अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला है, बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है, तो छठ पर्व को कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला, बिहार में वहाबी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, या किस वर्ष शुरू हुआ था, वर्ष 1828 में। अगला है, बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है, तो केवल नेपाल को। अगला है, बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से हुआ था, तो वैदिक युग से हुआ था। कब से, वैदिक युग से। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, तो भोजपुर से, बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है, तो धान है। नेक्स्ट, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर, बरौनी, हम लोग बात कर चुके हैं। और मेढक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है, तो बिहार व उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है, तो पटना मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक है, तो भारतीय स्टेट बैंक की। अगला है, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी, तो इलाहाबाद बैंक की। और बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया था, तो बुद्ध जयंती है, आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, बिहार में लग्नी राग मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस अवसर पर गाया था, विवाहोत्सव पर। अगला है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो पटना विश्वविद्यालय है। अगला, बिहार में देव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद में। वाई सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है, तो पटना में। कहाँ पे, पटना में। तो ये थे दोस्तों बिहार स्पेशल के सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिक्षा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।